हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूं विश्व तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पीएमटी टी फार्मूले का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं उससे पहले ये जान लेते हैं कि पीएम टी फार्मूले का इस्तेमाल किया क्यों जाता है इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है दिए गए लोन पर मंथली कितना इंस्टॉलमेंट आएगा यह जानने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोन अमाउंट है एक लाख इंटरेस्ट रेट है फोर्टीन और जो लोन का पीरियड है वो चार साल का है अब हमें यह जानना है अगर कि मंथली ई यानी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आ रही है तो उसके लिए हम यूज करेंगे पीएम फंक्शन का तो पहले टाइप उसके बाद टाइप तो नीचे का सिंबल आ यहाँ पे, इस पर डबल क्लिक यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले हमको इंटरेस्ट रेट वाला सेल सेलेक्ट करना है, है तो 14 परसेंट जो इंटरेस्ट रेट यहां पर है, वाली सेल हमने कर ली उसके बाद कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे ट्वेल्व से ठीक है क्योंकि 12 महीने होते हैं साल में इसको 12 से डिवाइड कर दिया उसके बाद कॉमा टाइप करिए उसके बाद ये पूछ रहा है कि पीरियड uh, कितना चार साल के लिए हमने ये लिया हुआ है तो हमने ये वाली सेल जो है वो सेलेक्ट कर ली लेकिन हमको इसको मंथली कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे फिर से इसको ट्वेल्व से इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया हमने ट्वेल्व टाइप कर दिया उसके बाद यहां पर कॉमा टाइप करिए अब हमें क्या करना है लोन का अमाउंट वाली जो सेल है वो सेलेक्ट करनी है उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए अभी आप देख रहे हैं कि ये माइनस में दिखा रहा है माइनस में इसलिए दिखाता है क्योंकि आपके अकाउंट से जो इंस्टॉलमेंट होती है वो डेबिट होती है इस वजह से ये माइनस दिखाता है अगर आप चाहते हैं कि माइनस का साइन हटाना तो वापस यहाँ पे क्लिक करिए और फॉर्मूले के आगे जहाँ पी दिया हुआ है इसके आगे माइनस टाइप कर दीजिए ठीक है उसके बाद ब्रैकेट के बाहर क्लिक करिए और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए माइनस साइन हट जाए